दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में घर के अंदर मनारा चोपड़ा काफी गुस्से में भड़की हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिन रिंकू धवन ने मनारा की बात जो है वो मुनावर फारूकी से होने नहीं दी थी, और इसी वजह से रिंकू धवन की हरकतों पर मनारा चोपड़ा भड़की हुई है और साथ ही साथ वो मुनावर से भी खासी नाराज है। दरअसल यहाँ पर अभिषेक कुमार जो है वो मनारा चोपड़ा और मुनावर फारूकी के बीच में जो इतने दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं, शॉर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनारा ने क्लियरली मना कर दिया और कहा कि मुझे उस बंदे से बात ही नहीं करनी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मनारा चोपड़ा ने पहले तो काफ़ी कुछ कहा, वहीं इसके बाद में कल की हुई बात पर मनारा चोपड़ा ने कहा कि कल मैं ना खुद गई थी मुनावर के पास में बात करने के लिए। हम दोनों ना वॉशरूम एरिया में बात कर रहे थे, हमारी बात बढ़ रही थी आगे, हम शॉर्ट आउट कर रहे थे अपने मैटर को, लेकिन वहाँ पर तभी रिंकू जी आ गई। रिंकू जी ने आकर पूछा कि भाई मैं बैठ सकती हूँ क्या यहाँ पे, और मुनावर ने उनको कह दिया कि हाँ बैठ जाओ आराम से। अब अगर मुनावर को मेरे से बात ही करनी होती तो रिंकू जी को वो अपने पास में नहीं बैठने देता, और ठीक है, और रिंकू जी को भी इतनी समझ नहीं है, उनमें इतना सा दिमाग नहीं है कि ये बंदे जो है पिछले 7 दिन से बात नहीं हो रही इन दोनों के बीच में, अब अगर ये दोनों बात कर रहे हैं तो मुझे इनको थोड़ा प्राइवेट स्पेस देना चाहिए, इनके बीच में नहीं बैठना चाहिए, इतनी बुद्धि नहीं है उनके अंदर। और मुनावर ने भी उनको एक बार भी नहीं रोका, उनको मना नहीं किया कि यहाँ मत बैठो, हम थोड़ा ज़रूरी बात कर रहे हैं। और अगर उनको बैठना था रिंकू जी को वहाँ पे तो फिर वो साइड में ले जाकर भी मुझसे बात करता कर सकता था, बाद में भी कर सकता था, लेकिन उसको मेरे से बात करने में इंटरेस्ट खुद को ही नहीं है, इसलिए मुझे भी बात नहीं करनी है। अब उसको अगर बात करनी होती तो वो मुझे साइड में लेकर जाता जाता और वहाँ पर बात करता। पहले भी तो करता था ऐसा, जब कभी उसको मेरे से बात करनी होती थी तो वो मुझको साइड में बुलाता था, साइड में हम बात किया करते थे, जो भी मुद्दा होता था, जो भी इश्यू होता था उसको शॉर्ट करते थे, लेकिन अब उसको बात करने में बिल्कुल खुद को इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई मैं क्यों बात करूं। और यहाँ पर मनारा ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उसको मुनावर से बात नहीं करनी है। फिलहाल आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।